वेलकम टू टीटीआई। साइंस, फन और मशीन्स की बिल्कुल नई दुनिया में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी मिस ना करें। बॉब्सला। बॉब्सला लाया है आपके लिए बर्फ पर स्की करने का एक ब्रांड न्यू अनुभव। ये नई व्हीकल किसी भी बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, स्लेज या रेस वाली गाड़ी का मिलाप दिखती है। पावर देने के लिए इसमें 12 किलोवाट का पावर यूनिट लैस होता है। ये मशीन बहुत आसानी और सुरक्षा के साथ बर्फीले रास्तों पर अपना रास्ता बनाती जाती है। साथ में इसके फुर्तीले ब्रेक्स एक एक्स्ट्रा लेवल की सुरक्षा देते हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो बर्फ में सुरक्षा के हवाले से चिंतित रहते हैं। बॉब्सला किसी भी स्टीयरिंग व्हील के बिना चलाई जाती है। कुछ अपने नाम के जैसे ही फीचर्स है इसमें, बल्कि जहां आप जाना चाहें वहां मुड़ने के लिए आपको इसमें मौजूद दो हैंडल्स को गति देते रहना होता है। स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के जैसे इस व्हीकल में आपको मनोरंजन के लिए बिल्कुल भी किसी ऊंची जगह पर नहीं जाना पड़ता। सीधी सतह पर बॉब्सला की रॉकेट जैसी गति तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है। खास इस व्हीकल को शौकीन और अनुभवी लोगों के लिए पहाड़ी जगहों पर एंजॉय करने के वास्ते बनाया गया है। बॉब्सला का अनुभव आप भी ले सकते हैं लगभग 1700 रुपए में। स्केट बाइक। ये आइटम ऐसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, बल्कि स्केट बाइक बाइक की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाला एक नया टूल है। ड्राइविंग के एक नए ढंग के साथ स्केट बाइक ने आकर ट्रेनिंग के लिए सबको कमर्शियली एक सुरक्षित उपाय दे दिया है, जो कि दुनिया भर के शौकीन लोगों की जरूरत थी। स्केट बाइक का एक बड़ा काम यह भी है कि दुर्घटनाओं में घायल होने से बचाए रखता है। इसे टेस्ट करके भी देखा गया है कि इसके सुरक्षित लाइसेंस वाले फ्रेम राइडर को गिरने और जमीन पर लगने से बचाए रखते हैं। इस फ्रेम का एक और फायदा ये भी है कि शौकीन राइडर नए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स और रोड पर बाइक की पकड़ वगैरह से भी अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बाइक की पूरी तरह से परीक्षा ले सकते हैं। स्किड बाइक का फ्रेम अपनी बनावट में ऐसा है कि राइडर को 35 डिग्री तक झुकाव की पूरी सहायता देता है, और साथ साथ आप इसमें इलेक्ट्रिक रैम और ड्यूअल कैरेज सिस्टम होने के कारण से बाइक की पकड़ भी सेट कर सकते हैं। स्किड बाइक एक सुरक्षित और सही तरीका है जिससे आप बिना किसी डर के ट्रेनिंग का पूरा पूरा अनुभव ले सकते हैं। मर्सिडीज बेंज विजन AVTR। मर्सिडीज बेंज विजन AVTR ये गाड़ी जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार से प्रेरित है। ये मॉडल भी फिल्म में दिखाए गए मनुष्य और मशीन की काल्पनिक संबंध पर आधारित है, और गुजरे कुछ सालों में ये गाड़ियों की मार्केट में सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और ऑर्गेनिक महसूस होने वाली गाड़ी है। ये गाड़ी चलने वाले शीशे के दरवाजे और चमक धमक वाले गोलाई की शक्ल में पहियों के साथ लैस होते हैं। विजन AVTR में 33 बेहतरीन एरोडायनामिक गति देने वाली खूबियां होती है। इसके अलावा भी एक और फीचर है जो पहले शायद थोड़ा अजीब लगे, वो ये कि इसकी लाइट्स गाड़ी के ड्राइवर की दिल की धड़कनों से भी परिचित रहती है। गाड़ियों के और दूसरे नए कॉन्सेप्ट के साथ विजन AVTR खुद से ड्राइव करने वाली टेक्नोलॉजी में है, और इसी वजह से इसके अंदर कंट्रोल्स नहीं रखे गए हैं, बल्कि जो है इनमें 4 अवतार जैसे होलोग्राफिक इमेज की बनावट वाली सीट शामिल है। पर्यावरण के ख्याल से विजन AVTR के अंदर एक्सक्लूसिव साफ सुथरे पूरी तरह रिसाइकिल होने वाले मटेरियल रखे गए हैं। इस गाड़ी की कुल हॉर्स पावर 470 है और ये इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। स्मार्ट पार्किंग। स्मार्ट पार्किंग को जियो रोड पार्किंग डोमिनिकाना ने भीड़ और पोल्यूशन जैसी समस्याओं के उपाय के लिए डोमिनिकन रिपब्लिक की छोटी पार्किंग वाली जगहों के लिए विकसित किया था।
इस सिस्टम की खूबी ये है कि नीचे से ऊपर तक 1800 से लेकर 2500 केजी के बीच गाड़ियों के लोड को बर्दाश्त कर लेता है और जमीन के मुकाबले ये आसानी से 20 गाड़ियों को एक खड़े हुए स्टैंड जैसे सांचे में पार्क कर लेता है। स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधा को 50 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक और अमेरिका के अलावा भी ये सिस्टम दुनिया भर के और देशों में भी हर किसी की जरूरत के हिसाब से बनाकर एक्सपोर्ट कर दिया जा चुका है। ओवरासन। किसी भी रेलवे लाइन के लिए सबसे जरूरी बात ये होती है कि वो अपनी ट्रेन की पटरियों को कचरे और मलबे से बचाए रखे, और बर्फबारी के मौसम में तो ये काम और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे पैसेंजर्स की सुरक्षा और रेलवे की कारगर्दगी पर फर्क पड़ता है। रूटीन के देखभाल वाले कामों में रेलवे की पटरियों की रोजाना के हिसाब से सफाई करना तो बहुत जरूरी है ताकि यात्रियों की जानों को कोई खतरा ना हो। इसी काम को करने के लिए एक खास तरह की मशीन को विकसित किया गया है, ओवरासन, जो इस सुविधा के लिए एक नई और सबसे बेहतरीन मशीन है। आमतौर पर ये वैगन्स या इंजन गाड़ी के साथ लगाए जाते हैं, फिर ये मशीन गोल चरखी के जैसे घूमकर ट्रेन के रास्ते से बर्फ निकालकर किनारों पर फेंकती जाती है। ओवरासन द्वारा 1 मीटर गहरी बर्फ भी निकाल बाहर की जा सकती है और बर्फानी तूफानों में तो ये मशीन वाकई आपकी जान बचा सकती है। रेड माउंट लिफ्टिंग टूल्स। रेड माउंट लिफ्टिंग टूल्स एक लिफ्ट करने वाली मशीन है जो कैंची की शक्ल में ऊपर उठती है और भारी गाड़ियों को अपने ऊपर उठा लेती है, और जब इसकी जरूरत ना हो तो इस लिफ्ट को जमीन में छुपाया भी जा सकता है। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है कि जमीन में जाने के बाद आपको और कामों के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है, और साथ साथ इसमें एक फायदा ये भी है कि काम के दौरान इसकी खुद की सर्विस की जा सकती है। कई सारी खूबियों के साथ रेड माउंट एक के बाद दूसरी तह में और ऊपर तक खुल जाता है, और ये सिस्टम बाहर की हवा को इस्तेमाल में लेकर दबाव पैदा करते हुए काम करता है। रेड माउंट की कारगर्दगी आजमाते हुए इसे 850 केजी जितनी भारी वजन उठाते हुए भी टेस्ट किया गया है। रेड माउंट के कई मॉडल्स हैं और नए वर्कशॉप्स में चाल, कारगर्दगी और जगह के लिहाज से यह एक बेहतरीन सिस्टम रहता है। अपनी बनावट में ये मशीन मजबूत जोड़ के साथ बनी है और 2.5 टन भारी वैन्स और जीप्स को आसानी से उठा सकती है। नेविकैम। ये एक छोटी मगर जटिल डिवाइस है और 300 हिस्सों से मिलकर बनी है। चाइना के नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डिवाइस की मंजूरी दी थी ताकि भविष्य में मेडिकल की कई सारी आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। नेविकैम एक क्रांति लाने वाली नई डिवाइस है जिसने शरीर के अंदर जांच करने की सारी कठिनाइयां खत्म कर दी हैं। इस डिवाइस से शरीर के अंदर के अंगों की बीमारियों को और अच्छी तरह समझा जा सकता है, जबकि नेविकैम से पहले ये काम ट्यूब डालकर किया जाता था जिससे वाकई पेशेंट्स को बेचैनी होती थी। बहरहाल एंकॉन मेडिकल टेक्नोलॉजीज के चाइनीज स्पेशलिस्ट ने अंदर शरीर की जांच के लिए बेहतर उपाय खोजते-खोजते हमें अब नेविकैम इन्वेंट करके दे दिया है, जिसे आप दुनिया की सबसे छोटी गाड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइस चुंबक की सहायता से आपके पेट के भीतरी आंत में यात्रा कर सकती है, और इसमें मौजूद एक छोटा कैमरा होता है जिससे डॉक्टर्स आपके शरीर को अच्छी तरह बेहतर से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दुनिया भर से 7 सबसे अद्भुत आविष्कारों की लिस्ट समाप्त होती है। कौन से इन्वेंशन आपको सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाएं। फिर मिलते हैं, टेक केयर।